नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। चंद्रमा के बारे में हमने पिछला वीडियो डाला है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आपके चंद्रमा डिफ़िकल्ट माने जाने वाले, मुश्किल माने जाने वाले भाव अगर लग्न या अष्टम भाव में हैं, आपके बुध मुश्किल माने जाने वाले भाव जो उनकी नीच राशि है काल पुरुष की कुंडली में, बारहवें भाव में जाकर वो नीच के होते हैं, तो अगर ट्वेल्थ हाउस में आपके बुध हैं तो किस तरह की स्थिति होती है इसकी चर्चा की गई है, बृहद चर्चा की गई है। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मून की अनुकूल स्थिति क्या है, फेवरेबल प्लेसमेंट क्या है, न्यूट्रल प्लेसमेंट्स क्या है और प्रॉब्लमैटिक डिफ़िकल्ट प्लेसमेंट्स क्या है। तो चर्चा को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि चंद्रमा का सबसे चहेता भाव कौन सा है और कहाँ पर जाकर चंद्रमा बहुत ही अच्छा फल देते हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, लिक्विड कैश के कारक हैं, माता के कारक हैं, धन के कारक हैं और हमारी मेंटल, हमारी मानसिक सुख और शांति के द्योतक हैं। अब अगर चंद्रमा पंचम भाव में हैं, अगर आपके चंद्रमा पंचम भाव में हैं तो ये एक बहुत ही शुभ त्रिकोण का भाव है और यहाँ एक नैसर्गिक शुभ प्लैनेट चंद्रमा आते हैं तो बिल्कुल यहाँ की एनर्जी में वो एसिमिलेट हो जाते हैं, खप जाते हैं। और देखिए, पंचम भाव के चंद्रमा को हम क्यों अच्छा मानते हैं इस पर भी मैं बताऊंगी। और दूसरा भाव है दशम भाव। दशम भाव हमारे कर्म का होता है, हमारे D1 चार्ट में 10th हाउस हमारे जॉब प्रोफेशन को दिखाता है, कर्म का भाव है ये। और यहाँ पर भी अगर चंद्रमा आते हैं तो बहुत गजब का प्रभाव डालते हैं और ये मून के लिए एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। अब देखिए, चंद्रमा जहाँ भी जाते हैं, जो पोजिशन पे जाते हैं, जिस भाव में जाते हैं, वो बताते हैं कि हमारा माइंड उसी भाव पर हमेशा काम करता रहता है, मन सोचता रहता है कि और इन भावों को बढ़ाने में हम हमेशा दिन रात एक किए रहते हैं। अब देखिए, पंचम भाव कितना शुभ भाव है। ये हमारे पूर्व पुण्य का भाव है, हमने अब तक जितने भी जन्मों में जितने भी पुण्यों को एकत्रित किया है, संचित किया है, ये पंचम भाव से दिखता है। और यहाँ अगर चंद्रमा आते हैं, आपके समस्त छुपे हुए पुण्य कर्मों को प्रकाशित करते हैं शीतलता के साथ, तो ये आपके जीवन में एक बहार लाने वाली स्थिति बनाते हैं। पंचम भाव को हम मंत्रों का भाव कहते हैं, हम सडन गेन्स का भाव कहते हैं, यहाँ लॉटरी सट्टा और स्टॉक मार्केट का भाव है, ये बच्चों का भाव है। इन सभी चीज़ों में हमने देखा है, मैं अपने व्यक्तिगत कंसल्टेशन में मैंने पाया है कि ऐसे जातक या जातिकाएं जिनके चंद्रमा पंचम भाव में हैं, उन्हें बहुत ही सुदर्शन संतान हुई है जो दिखने में भी बहुत अच्छी होती है और दिखने से ज़्यादा उनके मन, उनका मन इतना कोमल होता है उन बच्चों का, वैसे संतानों का जो अपने माँ को बहुत सेवा करती है, माँ के बात को बहुत अनदेखा करके उनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देती। ये जातक और जातिकाओं को बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं और कंफर्ट देते हैं, सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन रहता है आपका, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत गजब का रहता है, पार्टियों की शान रहते हैं, आप जब बोलते हैं तो लगता है मुंह से मोती झर रहे हैं, बहुत ही आपके वाणी में मिठास और कशिश होती है, लोगों को बहुत ही आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी भी आने वाली प्रीमोनिशन, आने वाली घटनाओं की सूचना आपको पहले हो जाती है, आपको मन आपका कहने लगता है कि अभी कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छी खबर आने वाली है, या कुछ बहुत ऐसे मन पुलकित रहता है, आपको लगता है कि जीवन में कुछ रंग भरने वाला है, और इसके उलट कुछ अनिष्ट की आशंका, कुछ खोने का डर, कुछ अनिष्ट, कुछ एक अनजाना भय, जब ऐसी कुछ बुरी बात होने वाली रहती है तो वो भी आपको महसूस होने लगता है। एक बहुत ही इंट्यूशन के लिए ये पंचम भाव के चंद्रमा बहुत ही
स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देते हैं। अब इंट्यूशन की बात आती है तो हमारे सारे क्रिएटिव आइडियाज, हमारे जितनी भी सृजनात्मक शक्ति है वो पंचम भाव से हम देखते हैं। बच्चों को भी देखिए, चूंकि हम सृजन करते हैं इसलिए हाउस ऑफ क्रिएटिविटी से हम बच्चों को देखते हैं। तो अदर देन चिल्ड्रन, बच्चों के अलावा हम बहुत सारी ऐसी विद्या जो हम सृजनात्मक, मेरी जो क्षमता है वो चाहे लिखने की हो, गाने की हो, डांस करने की हो, एक्सरसाइज करने की हो, हमारे कुछ हमारी जो ऐसी क्रिएटिव एक्यूमेन, ये हम पंचम भाव के चंद्रमा से देखते हैं। और यहाँ के अगर चंद्रमा शुभ प्रभाव में है तो आप यकीन मानिए आप एक बहुत ही क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति होंगे और या ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी या स्वामिनी होंगे। अब अगर देखिए दशम भाव में अगर चंद्रमा है तो ये चंद्रमा के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपके वर्क, आपके कार्य क्षेत्र में ये बताते हैं कि आपका माइंड चल रहा है, आप अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं, आप कभी भी काम करके थकते नहीं हैं। और एक अपने वर्क प्लेस में आप अपने बुद्धि और इंटेलेक्ट और इमोशन और प्रैक्टिकलिटी दोनों को लेकर चलते हैं। ज़बरदस्त सफलता आपके प्रोफेशनल फील्ड में रहती है, बस शर्त इतना ही है कि ऐसे चंद्रमा निर्दोष हों, पक्ष बली हों। और आप ये मान लीजिए कि ऐसे चंद्रमा पर और दूसरे शुभ ग्रहों की, प्राकृतिक शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या आपके त्रिकोण के स्वामी की दृष्टि हो तो यहाँ के चंद्रमा भी बहुत गजब ढाने वाले होते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी वाहवाही, आपके कार्यों की सराहना, लोगों को दिखता है आपका काम। एक होता है कि पीठ पीछे, हम पर्दे के पीछे काम करते हैं, जब मूवी आती है तो सारी वाहवाही एक्टर और एक्ट्रेस को मिलती है और बहुत हुआ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को हम नाम जान लेते हैं, पर पर्दे के पीछे हजारों टेक्नीशियंस और स्पॉट बॉयज ने जो दिन रात एड़ी चोटी एक करके काम किया उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जान पाते। और पिक्चर ख़त्म होने के बाद जो एक बहुत सैकड़ों नाम आते हैं उनमें कोई एक नाम बन के रह जाते हैं, ये चीज़ नहीं होने देते। चंद्रमा अगर दशम भाव के हैं तो आपको एक इट मेक्स यू अ फोर्स टू रेकन विथ एट योर वर्क प्लेस। अब दशम भाव में भी, अब दशम भाव के चंद्रमा को हम इसलिए भी अच्छा मानते हैं, यहाँ पर देखिए एक आपका बुद्धि, आपका मन एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आपके जॉब को आगे बढ़ाने में काम करता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो आपके इतने सारे हैं उसको आप प्रैक्टिकल बना के, यथार्थ का जामा पहना के आप दुनिया के सामने लाते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इतना समन्वय आप कर पाते हैं। ये प्लेसमेंट आपको निसंदेह एक बहुत ही अच्छा करियर देता है, बहुत ही गुड करियर देता है आपको। आप किसी भी तरह आप डिसीजन लेके उस डिसीजन को करेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। आप कभी, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने सही निर्णय लिया या गलत। अगर आप गलत भी लेते हैं तो आप में ये मादा रहता है, आप में ये क्षमता रहती है कि उस गलत निर्णय को भी आप सही बना के अपने फायदे और समाज और देश के फायदे के लिए उसको मोड़ सकें। चलती हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।